हेलो स्टूडेंट्स, क्लास टेंथ के लिए हम यहाँ पर रियल नंबर्स, पॉलिनोमियल और लीनियर इक्वेशन पर, ये तीन चैप्टर्स पर कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चंस बोर्ड एग्ज़ाम के लिए या फिर स्कूल एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में। तो हम लोग चलो देखते हैं कि यहाँ पर इसमें हमें क्या पढ़ना है। फर्स्ट टॉपिक है हमारा रियल नंबर। रियल नंबर्स पर हमारे पास सबसे पहले आता है यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा एक कंसेप्ट है जो यूक्लिड ने बताया है और ये हमारा डिवीज़न पर बेस्ड है। यूक्लिड डिवीज़न लेमा मतलब यूक्लिड तो ये मैथमेटिशियन का नाम है और ये डिवीज़न पर बेस्ड है और लेमा का मतलब होता है कंसेप्ट। ठीक है, तो ये हमारा, अब इसमें ये कोई नई बात नहीं है। यहाँ पर ये जो बताई गई है ये नॉर्मली हम लोग जानते हैं। अब देखते हैं इसमें क्या बताया गया है। लेट ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स। अगर हमारे पास ए और बी कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर है तो अगर हम उसको डिवाइड करते हैं, ठीक है, अगर हम उसको डिवाइड करेंगे तो हमें यहाँ पर एक कोसेंट और रिमाइंडर क्यू और आर हमें मिलता है। जब हम उसको डिवाइड करेंगे तो बड़ा नंबर हमारा डिविडेंट होता है, छोटा नंबर हमारा डिवाइज़र होता है, और जो हमें मिलता है तो वो डिवाइड करने के बाद कोसेंट और रिमाइंडर मिलता है। तो यहाँ पर इन चारों चीज़ों में एक रिलेशन बताया गया है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, डिविडेंट इज़ इक्वल टू डिवाइज़र इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, और जो रिमाइंडर की वैल्यू होती है वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होती है और डिवाइजर से कम होती है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम कोई भी नंबर, कोई भी दो नंबर को डिवाइड करते हैं, जैसे मान लो हमने एग्ज़ाम्पल के लिए हमने मान लो दो नंबर ले लिए। मान लो एक नंबर 7 है और दूसरा नंबर 17 है। ठीक है, जब हम यहाँ पर 7 से 17 को डिवाइड करेंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, 7 2 14, है ना, और यहाँ पर ये हमें मिल गया रिमाइंडर 3। तो यहाँ पर जो बड़ा नंबर है वो हमारा डिविडेंट है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, डिविडेंट इज़ इक्वल टू डिवाइज़र, डिवाइज़र 7 है, कोसेंट हमारा 2 है, कोसेंट और प्लस रिमाइंडर 3। ये हमारा कोसेंट है और ये हमारा रिमाइंडर है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं जो रिमाइंडर की वैल्यू है वो क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, जीरो से ज़्यादा है, और ये जो डिवाइज़र है इससे कम है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि कोई भी दो नंबर को डिवाइड करने पर हमें यहाँ पर डिविडेंट, डिवाइज़र, कोसेंट और रिमाइंडर में ये रिलेशन मिलता है। ठीक है, बस सिंपल सी बात है, ये हमारा यूक्लिड डिवीज़न लेमा है। इसका यूज हम करते हैं HCF फाइंड करने के लिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करने के लिए भी करते हैं। ठीक है, उसमें कई सारे स्टेप्स होते हैं तो उससे हम HCF निकाल सकते हैं, इस मेथड से HCF भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर अब नेक्स्ट हमारा इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में क्या बताया गया है, यहाँ पर स्टेटमेंट है इसका कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। मतलब कोई भी अगर कंपोजिट नंबर है तो उसको हम उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी हम नंबर ले लेते हैं, कंपोजिट नंबर हमारा मान लीजिए 8 है। ठीक है, आपको पता होगा प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर दो टाइप के होते हैं। तो प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर होते हैं। ठीक है, एक हो गया हमारा प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर में एग्जैक्टली 2 फैक्टर होते हैं, और दूसरा होता है कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर्स में मोर देन 2 फैक्टर होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर कह रहे हैं कि हर एक कोई भी कंपोजिट नंबर हो उसको हम प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर में लिख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर ले लिया 8, ये एक हमारा कंपोजिट नंबर है, और इसको अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 × 2 × 2, यानी कि ये हमारा, देखो ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के फॉर्म में हो गया। ये सभी प्राइम नंबर है, 2 क्या है, प्राइम नंबर है,
इसी तरह से अगर हम कोई भी नंबर ले लेते हैं कॉम्पोजिट नंबर को, तो हम यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं उसको। ठीक है, मान लीजिए हम एक और नंबर ले लेते हैं 15, तो 15 भी हमारा कॉम्पोजिट नंबर है क्योंकि इसके दो से ज़्यादा फैक्टर हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये हमारा जो इसके फैक्टर होंगे 3 × 5 × 1, तो ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के फॉर्म में ये 3, 5 ये सब हो गया। अब इसी तरह से अब यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चंस, इस पर कुछ क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी पर बेस्ड, रियल नंबर वाले चैप्टर पे बेस्ड। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है द एचसीएफ ऑफ 60 and 108 is 12, राइट देयर एलसीएम। तो यहाँ पर दो नंबर का एचसीएफ दिया हुआ है 12 और इसका एलसीएम पूछा है, तो इसमें हमें यहाँ पर एक रिलेशन ये भी मालूम होना चाहिए कि एलसीएम इंटू एचसीएफ, किसी भी दो नंबर का जो एलसीएम और एचसीएफ होता है उसका प्रोडक्ट उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ठीक है, ये दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है, इनके एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट। तो अब यहाँ हमें इसमें ये दोनों नंबर्स दिए हैं, यहाँ पर पहला नंबर है 60 और दूसरा नंबर है 108। ठीक है, और इसमें हमें एचसीएफ भी दिया हुआ है, तो एचसीएफ की जगह पर हमने लिख दिया 12 और एलसीएम हमें फाइंड करना है, तो हम यहाँ पर इसमें एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। एलसीएम इक्वल टू हो जाएगा 60 × 108 / 12। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसको हम कट करेंगे, 12 × 5 = 60 होता है, और ये हमारा हो जाएगा, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 5 × 108, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 540। तो ये हमारा एलसीएम हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 540। इसके बाद हम यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ज़रा, सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पर क्या है, इसमें कह रहे हैं द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर। ये हमारा रेशनल नंबर है, इसमें कह रहे हैं इसको अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो ये कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद टर्मिनेट होगा। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर 347/2³ × 5⁴ विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ये रेशनल नंबर कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद टर्मिनेट होगा। तो हम यहाँ पर इसमें अगर इसको थोड़ा समझें, तो यहाँ पर हम ये जानते हैं कि कोई भी रेशनल नंबर हो, कोई भी फ्रैक्शन में दिया हो, तो इसमें डिनोमिनेटर में अगर प्रोडक्ट डिनोमिनेटर के जो आप इसको प्राइम फैक्टर्स निकालोगे तो उसमें केवल 2 or 5 का मल्टीपल आता है तब ये टर्मिनेटिंग होगा, और अगर 2 or 5 के अलावा कोई और नंबर आता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि ये जो हमें दिया हुआ है 347/2³ × 5⁴, यहाँ पर नीचे ऑलरेडी फैक्टर्स के प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के फॉर्म में है, तो यहाँ 2 or 5 का ही है फैक्टर, इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग है, और जब ये टर्मिनेटिंग है तो इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें 2 or 5 के पावर्स को इक्वल करना होता है। ठीक है, तो पावर्स को इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2³ है, यहाँ पर 5⁴ है, यहाँ पर हमें एक 2 और चाहिए, है ना, क्योंकि यहाँ 2³ है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऊपर और नीचे यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर ये हो जाएगा, इसको आपको वैसे इस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ हमें पूछा है कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद टर्मिनेट हो जाएगा, तो हम यहाँ पर जब इसको करेंगे 2³ × 2, तो ये हमारा 2⁴ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, तो 2⁴ हो गया, और 5⁴ यहाँ पर ये यह हमें दिया है। अब यहाँ पर देखिए, इसको मल्टीप्लाई कर ही देते हैं, इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, 2⁷ = 14, 2⁴ = 8, 8 + 1 = 9, 2⁾ = 6 डिवाइडेड बाई, अब ये हो गया 2 × 5 का होल पावर 4। ठीक है,
और हम यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 694 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 4। अब 10 की पावर 4 का मतलब कितना हुआ, 10 की पावर 4 का मतलब 1 के बाद 4 जीरो लगेगा, है ना, 4 जीरो हमने लगा दिया। अब यहाँ पर जब इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो नीचे जितने जीरो होते हैं उतने डिजिट से पहले हम डेसिमल लगाते हैं, तो ये हो जाएगा 694, ये 3 डिजिट तो पहले से है। अब 4 डिजिट से पहले डेसिमल लगाना है तो हम यहाँ जीरो लिखेंगे, इसके पहले फिर डेसिमल लगा देंगे, तो ये हमारा डेसिमल के 4 प्लेसेस पर ये टर्मिनेट हो रहा है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, आफ्टर 4 डेसिमल प्लेसेस, इट विल टर्मिनेट आफ्टर 4 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें यहाँ पर दिया है प्रूव दैट 2√3 इज एन इरेशनल नंबर। हमें यहाँ पर ये शो करना है कि ये 2√3 क्या है, इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर शो करने के लिए हमेशा हम इसका कंट्राडिक्शन लेके चलते हैं, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, लेट अस कंट्राडिक्ट, हमने यहाँ पर कंट्राडिक्ट मतलब इसका उल्टा, ठीक है, जो सेंटेंस हमें दिया है उसी का जस्ट अपोजिट, तो हमने यहाँ पर कंट्राडिक्ट ले लिया कि क्या ले लिया, दैट 2√3 इज रेशनल, इसको हम यहाँ पर रेशनल मान के चलते हैं। ठीक है, तो रेशनल जब हम अगर मानते हैं तो रेशनल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर वो होते हैं जिनको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर पी अपॉन क्यू के फॉर्म में अगर लिख सकते हैं या ए अपॉन बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो 2√3 इज इक्वल टू ए अपॉन बी हमने कर दिया इसको, ठीक है, यानी कि ये हमारा फ्रैक्शन में लिखा जा सकता है क्योंकि हमने इसको रेशनल ले लिया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या करना होता है, यहाँ पर जब भी हमारे पास क्वेश्चन में रेशनल और इरेशनल दोनों का मिक्स होता है, यानी कि यहाँ पर 2 क्या है, रेशनल है, और 3 क्या है, इरेशनल है, इनका प्रोडक्ट है यहाँ पर। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि रेशनल प्लस इरेशनल हो या फिर रेशनल माइनस इरेशनल हो, तो उस केस में हमें क्या करना है, यहाँ पर ऐसे ही क्वेश्चन करने हैं जिसे करा जा रहा है, यहाँ पे प्रोडक्ट में है और ये एडिशन में भी हो सकता है, यानी रेशनल प्लस इरेशनल हो सकता है या फिर रेशनल माइनस इरेशनल हो सकता है या फिर रेशनल डिवीजन इरेशनल हो सकता है। ठीक है, तो हमें सब में यही प्रोसीजर फॉलो करना है। तो अब यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसको कंट्राडिक्शन में लेकर के चलेंगे, रेशनल मान के चलेंगे, ठीक है, और हम यहाँ पर इधर इसको इस वाले नंबर को, जैसे यहाँ रेशनल और इरेशनल का मिक्स है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, रेशनल वाले जो नंबर्स हैं उसको उस साइड ट्रांसफ़र करेंगे, यानी कि हमें ट्रांसपोज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए, जब यहाँ पर हम 2 को ट्रांसपोज करेंगे तो ये प्रोडक्ट में है तो इधर जा कर के डिवाइड होगा, तो ये हो जाएगा a अपॉन 2b, ये नंबर हमारा इधर आके नीचे आएगा 2b। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम ये जानते हैं कि √3 क्या है, √3 हमारा इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया इरेशनल, और यहाँ पर ये जो फ्रैक्शन में आ रहा है ये तो हमें पता है कि क्या है, ये रेशनल नंबर है, क्योंकि जो फ्रैक्शन में होता है उसको हम रेशनल नंबर कहते हैं। तो अब यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, हमें यहाँ पर मिल रहा है कि जो इरेशनल नंबर है वो रेशनल के इक्वल है, जबकि ऐसा कभी भी हो नहीं सकता क्योंकि इरेशनल नंबर कभी भी रेशनल नंबर के बराबर नहीं होता। तो ये हमें यहाँ पर रॉन्ग रिजल्ट मिल रहा है। रॉन्ग रिजल्ट हमें क्यों मिल रहा है, क्योंकि हमारा एजम्पशन ही रॉन्ग है, यानी कि हम यहाँ पर लिख देंगे वी गेट रॉन्ग रिजल्ट। हमें यहाँ पर रॉन्ग रिजल्ट इसलिए मिल रहा है बिकॉज आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, हमारा एजम्पशन जो हम एज्यूम करके चल रहे हैं वो रॉन्ग है। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज दैट, अब हम इसके आगे लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट 2√3 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसमें जब भी रेशनल और इरेशनल नंबर्स का
मिक्स करके आएगा, यानी प्लस करके आएगा या माइनस करके आएगा, प्रोडक्ट में आएगा या डिवीजन में आएगा, तो हमें यहाँ पर सब में ऐसे ही करना है, कंट्राडिक्शन लेके चलना है, और यहाँ पर जो रेशनल नंबर होंगे उनको ट्रांसपोज करके इधर केवल इरेशनल बना लेना है, तो हमें यहाँ पर रॉन्ग रिजल्ट मिल जाएगा। और फिर हम डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं कि जो हमारा स्टेटमेंट है वो सही है। तो अब यहाँ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर में देखते हैं क्या है। पहले क्वेश्चन नंबर फोर को समझ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। इन अ मॉर्निंग वॉक थ्री पर्संस स्टेप ऑफ टुगेदर, देयर स्टेप्स मेजर 80 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर एंड 90 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। वॉट इज मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक सो दैट दे कैन कवर द डिस्टेंस इन कम्प्लीट स्टेप। तो यहाँ पर मॉर्निंग वॉक में तीन पर्सन हैं जो कि चल रहे हैं एक साथ, ठीक है। एक का स्टेप 80 सेंटीमीटर है और दूसरे का स्टेप 85 सेंटीमीटर है और तीसरे का 90 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि मिनिमम क्या डिस्टेंस होनी चाहिए इनको, जिससे कि ये सब तीनों कंप्लीट स्टेप्स डिस्टेंस कवर कर सकें, कंप्लीट डिस्टेंस में कवर डिस्टेंस को कवर कर सकें। तो अब यहाँ पर देखो, जब भी इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं तो यहाँ पर हमको पहले तो नंबर्स देखने हैं, कौन कौन से नंबर्स आ रहे हैं। 80 सेंटीमीटर, ये है हमारा 80 सेंटीमीटर, फिर ये है 85 सेंटीमीटर और ये है 90 सेंटीमीटर, ठीक है। इसमें हमें यहाँ पर ये देखना होता है कि यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, मिनिमम पूछा जा रहा है या फिर मैक्सिमम पूछा जा रहा है, हाईएस्ट पूछा जा रहा है या लोवेस्ट पूछा जा रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं, हमारे क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है मिनिमम डिस्टेंस। तो मिनिमम, व्हाट इज़ मिनिमम, तो मिनिमम के लिए हमें यहाँ पर एलसीएम निकालना होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन तीनों नंबर्स के एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। एलसीएम हम कैसे निकालेंगे, हम यहाँ पर इसके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर के लिए हम यहाँ पर इसके फैक्टर्स देख लेते हैं क्या क्या होगा। यहाँ पर इसका फैक्टर जब हम करेंगे तो ये हमारा 2 4 8 3 40 हो गया, 2 2 4 और 2 1 2 और ये 2 5 10 और ये 5 1 5। तो इसका जो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर में हमें मिलेगा 2 × 2 × 2 × 2 × 5, ठीक है। तो यहाँ पर इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 4 × 5, है ना। तो 80 का प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर हो गया। इसके बाद हम यहाँ पर 85 का देखते हैं। तो 85 का जब हम यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा देखते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पर इसको 5 से करेंगे, तो 5 1 5 और ये हो गया 5 7 35। यहाँ पर अब देखिए, ये हमारा 17 तो प्राइम नंबर ही है, तो 17 1 17 हो गया ये। तो इसके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर में 5 और 17 आएगा, ठीक है। इसके बाद जब हम 90 का प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो 90 का देखते हैं क्या आएगा। 90 वाले केस में हमें यहाँ पर मिल जाएगा, 2 से करेंगे, 2 4 2 2 4 और 2 5 10, 5 5 25, 5 1 5, यहाँ पे 2 4 होगा, 2 4 8 और 2 5 5 9 45 और फिर यहाँ पर 3 से होगा, 3 3 9 और 3 1 3। तो ये हमारा हो गया 2 और फिर उसके बाद 2 बार 3 है, 3 × 3 और फिर ये आ गया 5। तो यहाँ पर हमारे पास इसमें इसका जो फैक्टर मिल रहा है 2 × 3 की पावर 2 × 5 मिल रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसका एलसीएम निकाल रहे हैं। तो एलसीएम में जब भी हम यहाँ पर निकालते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि इसका हाईएस्ट पावर क्या है। तो जब हम एलसीएम इस तीनों नंबर का देखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, पहले तो यहाँ पर इन दोनों का देखते हैं तो ये हमारा आएगा, क्या क्या आ जाएगा, 2 की पावर 4 और ये 5 पेयर में है तो 5 को एक बार लिखेंगे
और फिर ये 17 हो गया, है ना। इन दोनों नंबर्स का 80 और 85 का हम यहाँ पर हाईएस्ट पावर हमने ले लिया। इसके बाद हम अब 90 के जो फैक्टर आए हैं उनके साथ हम यहाँ इसके हाईएस्ट फैक्टर जब लेंगे तो ये हमारा हाईएस्ट फैक्टर इन दोनों में 2 की पावर 4 है, ठीक है। और 5 यहाँ पे भी कॉमन है तो 5 को भी हम यहाँ ले लेंगे। और फिर इन दोनों में यहाँ पर 3 स्क्वायर नहीं है तो 3 स्क्वायर भी आएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पर 17 भी आ जाएगा, है ना। तो इसमें यहाँ पर अब यहाँ हमारे पास इसमें इनमें मल्टीपल कर देंगे तो मल्टीप्लाई जब करेंगे 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 कितना हो गया 16, ठीक है। और इंटू 5 इंटू 3 स्क्वायर ये हो गया 9 और ये है 17। तो अब यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 16 5 ज़ा 80 इंटू 9 17 इंटू 9 153। फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 इसको हम यहाँ लिख सकते हैं कितना 122 मीटर 40 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा कितना मिनिमम डिस्टेंस कवर करेगा 122 मीटर 40 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पॉलीनोमियल। तो पॉलीनोमियल से भी हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। पॉलीनोमियल में सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, फाइंड द, ये क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा इसका, तो फाइंड द सम ऑफ जीरोज ऑफ पॉलीनोमियल। तो यहाँ पर हमें पूछा है, इसमें एक ग्राफ दिया हुआ है, इसमें पूछा है इनके जीरोज का सम बताइए। तो जीरोज क्या होते हैं, यहाँ पर देखें ये एक्सिस जो बनाया गया है ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पर ओरिजिन है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं, यहाँ पर एक्सिस एक दूसरे को कट करते हैं तो उसको हम ओरिजिन बोलते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो कर्व है, इस ग्राफ में जो कर्व बना है ये एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है वही उसके जीरोज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो कर्व बन रहा है ये एक पॉइंट तो हमारा -2 पर टच हो रहा है या कट कर रहा है, दूसरा 1 पर टच कर रहा है और तीसरा पॉइंट है 3 नंबर पे टच कर रहा है। तो अब यहाँ इन सभी को क्या करेंगे, यही जीरोज़ हैं, जीरोज़ क्या हैं, यही है जहाँ पर ये टच करता है। तो अब यहाँ पर इन सब को क्या करना है, सम करना है, तो इनको ऐड कर दो। ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा, -2 + 4 कितना हो गया, ये 4 - 2 2, तो ये हमारा 2 आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। कर्व में जब भी यहाँ पर ये कर्व बना है और अगर एक्स एक्सिस पर जितने भी पॉइंट को इंटरसेक्ट करता है उतना ही उसके जीरोज होते हैं, ठीक है। और अगर ये कर्व कभी कभी टच नहीं भी करता है तो उस केस में कोई जीरोज नहीं होगा। हमें ये ध्यान देना है कि एक्स एक्सिस को देखना होता है कि एक्स एक्सिस पर कितने पॉइंट पर टच कर रहा है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स ये है, द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल x² + 7x + 12r। इसके जीरोज पूछे गए हैं, तो जीरोज पूछे गए हैं तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा, x की वैल्यू निकालनी है। तो हम यहाँ पर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम स्प्लिटिंग मिडिल टर्म का यूज करते हैं। तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म का यूज करने के लिए देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट क्या है, 1 है, जब कुछ भी नंबर नहीं होता तो 1 लेते हैं, तो 1 × 12, ठीक है, 1 और 12 का मल्टीपल 12 होगा। और इस 12 के दो फैक्टर हमें करना पड़ेगा, ऐसे दो फैक्टर करने होंगे जिसमें ये हमारा स्प्लिट हो जाए ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर, ठीक है। यानी कि जैसे हमने मान लो 12 को 3 × 4 लिख लिया, 3 × 4 = 12 होता है और 3 + 4 कितना होता है, 7 होता है। तो हमें ऐसे दो फैक्टर फाइंड करने होते हैं जिसको ऐड करने पर या फिर सब्ट्रैक्ट करने पर ये मिडिल टर्म आना चाहिए, ठीक है। तो हमने ऐसे दो फैक्टर बना लिए हैं,
ये हमारा 3 और 4 है जिसको ऐड करने पर हमको 7 मिलता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर, ये हमारा 3 प्लस 4 हो गया, 3 प्लस 4 इंटू एक्स और प्लस 12। अब हम इसमें ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4x प्लस 12। अब हम यहाँ पर इन दोनों टर्म में से x को कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 3 और यहाँ पर इन दोनों टर्म में कॉमन 4 हो जाएगा तो ये हो जाएगा x प्लस 3। अब यहाँ पर दोनों टर्म में हमारे पास क्या कॉमन है, x प्लस 3, और अब इस टर्म में हमारे पास क्या बचेगा, x बच जाएगा। इस टर्म में क्या बच जाएगा, बीच में प्लस है तो प्लस लिख लेंगे। इस टर्म में हमारे पास 4 बच जाएगा। तो अब यहाँ देखिए इसमें दो फैक्टर हो गए, इन दोनों फैक्टर्स में जब हम x प्लस 3 इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू हमारी माइनस 3 आएगी, और अगर हम x प्लस 4 इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ से हमें x की वैल्यू माइनस 4 मिल जाएगी। तो इसका जो जीरोज होगा क्या होगा, माइनस 3 और माइनस 4। तो हमें ऑप्शन में दिया है बी, माइनस 3 और माइनस 4 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। इफ़ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 10 देन द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा इज। तो यहाँ पर हमें इसमें अल्फा बीटा दिया हुआ है जीरोस। अब यहाँ कुछ चीज़ें यहाँ समझ लेते हैं। अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो ये हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है जिसमें ए बी सी कोफिशियंट है। कोफिशियंट क्या होता है, यहाँ पर ए बी सी को यहाँ कोफिशियंट कह रहे हैं। और जीरोस क्या है, जीरोस को हम यहाँ पर अल्फा और बीटा से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पर आप देखो इसमें रिलेशन होता है जीरोज़ और कोफिशियंट का, तो सम ऑफ जीरोज़, यहाँ पर जो सम ऑफ जीरोज़ होता है उसके लिए हम यहाँ कहते हैं ये हमारा माइनस बी अपॉन ए होगा, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो हमारी माइनस बी अपॉन ए होती है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो हमारा होता है सी अपॉन ए, मतलब ये अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू हमारी सी अपॉन ए होती है। अब इसमें यहाँ पर क्या पूछा है, हमें यहाँ पर पूछा है अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू। अगर हम यहाँ पर जो हमारा इक्वेशन दिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 10, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट से कंपेयर करें तो हमें यहाँ ए की वैल्यू मिल रही है 2 और बी की वैल्यू मिल रही है 5 और सी की वैल्यू क्या मिल रही है, माइनस 10। तो हमें यहाँ पूछा है अल्फ़ा इंटू बीटा, तो यहाँ पर हम सी अपॉन ए यानी कि इसमें वैल्यू रख करके फाइंड कर सकते हैं, माइनस 10 अपॉन ए की वैल्यू क्या है, 2 है, तो ये कैंसिल करेंगे तो 2 5 10, तो ये माइनस 5 हमारा अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू है, तो ये माइनस 5 हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको थोड़ा सा ये इसका कंसेप्ट भी समझा दिया है जिससे कि आपको अगर इस तरीके के और भी क्वेश्चन मिलते हैं तो आप आसानी से समझ सको। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। इफ़ अल्फ़ा बीटा आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल हमें दिया है 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 देन 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा इज इक्वल टू। अब अभी हमने जो ये कंसेप्ट सीखा वो इस क्वेश्चन में भी काम आने वाला है। अब अगर हम उसी तरह से अगर देखें कि इनमें अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट से कंपेयर करें तो हमारा ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पर ए की वैल्यू हमारी 4 है तो ये हो गया 4, बी की वैल्यू हमारी 3 है तो ये बी की वैल्यू हो गई 3, और सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू हमारी 7 है। अब इसमें यहाँ पर अभी आपको मैंने बताया कि अल्फ़ा प्लस बीटा अगर हमें फाइंड करना है, ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है, माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी अपॉन ए के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस 3/4। ठीक है, ये अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हो गई। और इसी तरह से अगर हम अल्फ़ा प्लस बीटा की अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ की वैल्यू निकालते हैं तो ये होता है सी अपॉन ए, है ना, तो
तो c अपॉन a के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, 7/4, है ना, ये हमारा 7/4 हो गया। अब इसमें हमें पूछा क्या है, हमें यहाँ पर पूछा है 1/α + 1/β की वैल्यू क्या है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा को एलसीएम ले लेंगे। यहाँ एलसीएम जब होगा तो ये अल्फ़ा बीटा एलसीएम आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा बीटा, और यहाँ पर आ जाएगा अल्फ़ा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ये हम रख सकते हैं यहाँ, क्या लिख सकते हैं, -3/4, ठीक है, और डिवाइडेड बाई अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू भी निकाल चुके हैं, तो ये हमारा 7/4 हो जाएगा। अब यहाँ पर जब आप देखो फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन है, तो ये फ्रैक्शन हमारा ऊपर जाके फिर रेसिप्रोकल हो जाता है, तो ये हमारा हो जाएगा -3/4 मल्टीप्लाइड बाई 4/7, ये 4/7 हो जाएगा। अब यहाँ 4 कैंसिल हो जाएगा और इसकी वैल्यू आ जाएगी -3/7, तो हमारा आंसर क्या होगा, -3/7, ठीक है, सिंपल था। अब यहाँ हम नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, हमारा थर्ड टॉपिक है लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले तो आप एक कंसेप्ट को हम समझ लेते हैं, उसके बाद हम एक दो क्वेश्चन भी करेंगे इस पर बेस्ड। यहाँ पर हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, जिसमें a1 a2 b1 b2 c1 c2 कोफिशियंट है और ये x और y वेरिएबल है। अब देखो यहाँ पर जब ये लीनियर इक्वेशन दिया होता है, तो ये हमारा जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये या तो कंसिस्टेंट होगा या फिर इनकंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, अगर सॉल्यूशन है तो उस केस में तो ये हमारा कंसिस्टेंट होता है। अगर ये सॉल्यूशन हमें इसका मिलता है, चाहे वो एक सॉल्यूशन हो चाहे एक से ज़्यादा सॉल्यूशन है, तो उस केस में तो हम कहते हैं ये कंसिस्टेंट है। अगर हमें सॉल्यूशन नहीं मिलता, ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये हमारा इनकंसिस्टेंट है ना। तो हम यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर कंसिस्टेंट तब होगा जब सॉल्यूशन होगा, इनकंसिस्टेंट तब होगा जब कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो अब यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर इनकी रेशियोज़ को कंपेयर करें, अगर a1/a2 b1/b2 एक्स के कोफिशियंट को अगर हम रेशियो लें और वाई के कोफिशियंट का रेशियो लें, वो अगर इक्वल नहीं आता है, तो उस केस में तो ये लाइन हमारी क्या होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, ठीक है। यानी कि हम यहाँ पर इनके रेशियोज़ को a1/a2 b1/b2 और c1/c2 के रेशियोज़ को देखकर बता सकते हैं कि लाइंस हमारी कैसी होगी। तो यहाँ पर अगर a1/a2 ≠ b1/b2 है, तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, उस केस में यहाँ पर हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, लाइन हमारी इस तरीके से कुछ बनेगी ऐसे, जो एक दूसरे को कट करेगी, अगर ऐसी कंडीशन आ रही है तो। दूसरा केस, अगर a1/a2 और b1/b2 इक्वल हो जाता है, पहला केस तो हमारा इक्वल नहीं है, ठीक है, इक्वल नहीं है, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन होगी और इसका एक सॉल्यूशन होगा, जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा वही उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। अब यहाँ जब ये दोनों इक्वल मान लो नहीं है, तो जब नहीं है इक्वल, तो हम थर्ड वाला देखेंगे, c1/c2 को चेक करेंगे। c1/c2 को जब चेक करेंगे तो इसमें दो केसेस होंगे, या तो c1/c2 इक्वल होगा या तो ये c1/c2 इक्वल नहीं होगा। अब यहाँ अगर ये c1/c2 भी इक्वल है, यानी कि जब तीनों रेशियोज इक्वल हो जाएं, तो ये हमारा को इंसिडेंट लाइन की कंडीशन होती है, ठीक है, को इंसिडेंट लाइन, यहाँ पर को इंसिडेंट लाइन की कंडीशन होती है, यानी कि हम इसको ओवरलैपिंग भी कह सकते हैं, जो एक दूसरे पर ओवरलैप करे, एक दूसरे पर बन रही हो। तो ये हमारा यहाँ पर हम देखें तो ये हर एक पॉइंट कॉमन पॉइंट होता है, इसलिए इसके बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं। यहाँ पर तो सिर्फ एक पॉइंट कॉमन पॉइंट है, इसलिए इसका एक सॉल्यूशन है। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स, यानी सारे पॉइंट हमारे इसके कॉमन पॉइंट है, इसलिए इसमें मेनी सॉल्यूशन होता है। किस केस में, जब ये तीनों ही रेशियो इक्वल होता है। अब तीसरा केस,
लाइन हमारी कैसी हो सकती है, लाइन हमारी पैरेलल भी तो हो सकती है ना। जब भी हम दो लाइन बनाएंगे तो या तो इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी, या तो ओवरलैपिंग लाइन बनेगी, या फिर ये पैरेलल लाइन बनेगी, है ना। तो यहाँ पर इस केस में अगर थर्ड वाला पॉइंट हमारा जो C1/C2 है वो इक्वल नहीं है, तो ये हमारा पैरेलल लाइन का केस होता है जिसमें हमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं मिलता है। तो कॉमन पॉइंट नहीं मिल रहा है इसलिए इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता, तो हम यहाँ पर सिर्फ लिख देते हैं नो सॉल्यूशन। तो अभी यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर इसके हम कोफिशियंट के रेशियो को देख करके भी बता सकते हैं कि लाइंस हमारी किस तरीके की होगी और इसके कैसे सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। अब यहाँ हम देखते हैं इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन, क्वेश्चन में हम कैसे अप्लाई करेंगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के आर द फॉलोइंग इक्वेशन इनकंसिस्टेंट। ये दो हमें इक्वेशन दी हुई है, के एक्स माइनस फाइव वाई इक्वल टू टू एंड सिक्स एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू सेवन, ये दो इक्वेशन दिया है। अब इसमें कह रहे हैं कि ये दोनों ही इक्वेशन अगर इनकंसिस्टेंट है तो के की वैल्यू क्या होगी। इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या हुआ, पैरेलल लाइन बना रही है या फिर इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, ये हमारा इनकंसिस्टेंट का होता है जिसमें कोई सॉल्यूशन नहीं आता। तो इसका कंडीशन हमारा ये है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। इसमें हमें K की वैल्यू बतानी है, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, इनकंसिस्टेंट की जो ये कंडीशन है वो कंडीशन हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है कि क्या है, इनकंसिस्टेंट लाइंस है। तो ये हमारा कंडीशन है, इसमें आप कंपेयर करोगे तो A1 की वैल्यू यहाँ K है और A2 की वैल्यू 6 है और B1 की वैल्यू -5 है और B2 की वैल्यू 2 है, ठीक है। इज नॉट इक्वल टू, अब इसको भी लिख लेते हैं, 2/7। अब इसमें हमें K की वैल्यू बतानी है, तो K की वैल्यू हमें फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करने से ही मिल जाएगी। जब हम फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो करके ये 6-5, ये 6 5 30 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 2 है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, और ये जब कैंसिल करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा K=-15। तो हमारा आंसर ये ट्रू हो जाएगा, के की वैल्यू -15 होगी। चलिए अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 को बहुत ध्यान से समझेंगे क्योंकि अब यहाँ पर सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन, केस स्टडी से रिलेटेड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो हम यहाँ सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझेंगे। अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड आर रिमेनिंग फिक्स्ड एंड रेस्ट आर रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस। When Swati takes food for 20 days, she has to pay ₹3,000 as hostel charges, whereas Mansi, who takes food for 25 days, pays ₹3,500 as hostel charges. Find the fixed charge and cost of food per day. यहाँ पर सीधा सा ये है कि हॉस्टल चार्ज क्या है, हॉस्टल में अगर कोई स्टूडेंट रहता है तो वहाँ पर कैसा होता है खाने का सिस्टम, मेस का सिस्टम, मेस जो होता है वहाँ खाने का जो सिस्टम होता है वो इस तरीके से है कि एक तो फिक्स चार्ज है, ठीक है, एक होता है फिक्स चार्ज जो हमें देना ही देना होता है, और एक होता है चार्ज पर डे, हर रोज़ का जो आप देते हो चार्ज वो अलग होता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि मंथली जो चार्जेस है वो फिक्स चार्ज है एक, और एक है नंबर ऑफ डेज वन हैज़ टेकन फूड इन द मेस, ठीक है। तो यहाँ पर हम यहाँ देख रहे हैं कि एक स्टूडेंट है स्वाति, स्वाति ने अगर 20 डेज़ के लिए खाना खाया था तो उसको पे करना हुआ ₹3,000 एज हॉस्टल चार्जेस, जबकि दूसरी स्टूडेंट मानसी है, उसने 25 डेज़ खाना खाया तो उसने पे किया ₹3,500। तो आपको बताना है कि फिक्स चार्ज कितना है और हर रोज़ का चार्ज, पर डे का चार्ज क्या है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पर हम लेंगे लेट फिक्स्ड चार्ज
फिक्स चार्ज को हमने यहाँ पर एक्स रुपीज़ मान लिया, ठीक है। और चार्ज पर डे का हमने चार्ज ले लिया वाई रुपीज़, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो फर्स्ट स्टूडेंट स्वाति है उसने 20 डेज़ के लिए यहाँ पर खाना लिया था, तो फिक्स चार्ज तो उसको देना ही है, एक्स रुपीज़ तो देना ही है, प्लस 20 डेज़ का 20 इंटू वाई कितना हो गया, 20 इंटू वाई, और टोटल जो वो पेमेंट इसने किया 3000 रुपीज़, तो ये हो गया 3000, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा स्टूडेंट है मानसी, उसने 25 डेज़ के लिए खाना खाया, तो फिक्स चार्ज तो उसको भी देना है, और 25 इंटू पर डे का वाई रुपीज़ है, तो 25 इंटू वाई इज़ इक्वल टू टोटल पेमेंट उसने किया 3500। अब यहाँ देखिए ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई और ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। ये हमारे पास यहाँ पर दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बन गए, इनको हम सॉल्व करेंगे और हमें यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यू यानी फिक्स चार्ज और चार्ज पर डे मिल जाएगा। तो इसको सिंपली सॉल्व करना भी बहुत सिंपल है क्योंकि ये इक्वेशन सिंपल बनी हुई है, इसको आप सिंपली सब्ट्रैक्ट कर दो, है ना, क्योंकि यहाँ एक्स के कोफिशियंट इक्वल हैं तो हमें इसमें कुछ भी इक्वल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इक्वल नहीं होता तो हमें एक इक्वल बनाना पड़ता किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ पर ऑलरेडी ये इक्वल है, हमने माइनस कर दिया, तो माइनस करने पर सबके साइन चेंज हो जाते हैं, यहाँ प्लस से माइनस, यहाँ प्लस से माइनस और यहाँ भी प्लस से माइनस, अब ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस फाइव वाई, और ये सब्ट्रैक्ट होगा तो ये आ जाएगा माइनस 500, माइनस माइनस दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, और y इज इक्वल टू 500 डिवाइडेड बाई 5, और ये आ जाएगा 100, ठीक है। तो y की वैल्यू 100 आ गई। अब यहाँ पर देखो y की वैल्यू अगर 100 आ गई तो हम x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पर किसी भी इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 किसी में भी हम एक्स वाई की वैल्यू रख सकते हैं। तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में पुटिंग वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन 1 में हम रख देंगे, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 20 इंटू 100 इक्वल टू 3000, और ये हो जाएगा एक्स इक्वल टू 3000 माइनस 20 इंटू 100 2000 हो गया, इधर आके माइनस हो गया, ठीक है। तो ये आ गया 1000। तो अब यहाँ इसका मतलब क्या हुआ, ये फिक्स चार्ज हमारा 1000 आ गया, ये हमारा 1000 आ गया, और चार्ज पर डे 100 रुपीज़ आ गया, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, इसमें ये क्वेश्चन आपके लिए है, यहाँ पर ये क्वेश्चन है सॉल्व द लीनियर इक्वेशन, बहुत सिंपल सा इक्वेशन है, यहाँ पर इसको हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करना है तो यहाँ पर आप देखिए, इसको आपको खुद सॉल्व करना है और सॉल्व करके आपको आंसर कमेंट में बताना है। इसको सॉल्व करने के लिए देखो, ये खास तरीके का क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि आप देखो डायगनल्स के एलिमेंट यहाँ पर सेम है, 21 और 21, ठीक है, और ये है 47 और ये 47। जब भी डायगनल्स के एलिमेंट सेम होते हैं और बड़े नंबर होते हैं तो इनको सॉल्व करने के लिए अगर आप सिंपल तरीके से करते हो ना तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हम यहाँ पर इसमें एक ट्रिक यूज करेंगे। ट्रिक क्या है इसका, इसका ट्रिक ये है कि आप यहाँ पर क्या करोगे, इन दोनों इक्वेशन को एक बार ऐड कर दो। मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, बाकी आपको ये करना है और मुझे आंसर बताना है। आप क्या करोगे, पहले तो एक इन दोनों ही इक्वेशन को ऐड करोगे, ठीक है, तो आपको मिल जाएगी क्या, सिंपल इक्वेशन मिल जाएगी। ऐड करने पर हमें सिंपल इक्वेशन एक मिल जाएगी, फिर क्या करोगे, फिर आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे, फिर से क्या करोगे, इन्हीं दो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको फिर से एक सिंपल इक्वेशन और मिल जाएगी, ठीक है। हमें दो सिंपल सी इक्वेशन मिल जाएगी, ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, तो हमारी जो सिंपल इक्वेशन बनेगी वो इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 बन जाएगी, और फिर हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, बड़ी इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो आप इसको सॉल्व करिए, मैंने आपको हिंट दे दिया है, ठीक है।
और आप इसका आंसर मुझे कमेंट में बताइएगा, और अगर नहीं आएगा तो भी बताइएगा, मैं आपको अगली वीडियो में और अच्छे से इसके अच्छे अच्छे क्वेश्चन और करा दूंगा और इसको भी करा दूंगा। ठीक है, मेरी ये वीडियो यहाँ पर अब ख़त्म हो रही है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे सभी क्वेश्चन और मेरे द्वारा बताए गए जितने भी कंसेप्ट हैं आपको समझ में आए होंगे, और अगर आपको समझ में आए हैं तो प्लीज़ आप कमेंट में बताइएगा, और अगर नहीं भी समझ में आए हैं, कोई भी प्रॉब्लम आई है तो आप फिर भी आप मुझे कमेंट करिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करें, और अगर आप लाइक करेंगे तो मैं इसी तरह की वीडियो और भी बनाता रहूँगा। क्लास टेंथ के लिए, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, और नए नए कंसेप्ट, नए नए ट्रिक्स यहाँ पर मैं आपको बताता रहूँगा, जिससे आपकी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी हो जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।